झज्जर की सड़कों पर यह हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि छावनी मोहल्ले में एक प्रवासी मजदूर की मासूम बच्चे के साथ ऐसी दरिंदगी हुई जिसे सुनकर कलेजा कांप उठेगा। जी हाँ, जन्मदिन की रात पिता को घर में बंधक बनाकर उसकी 5 साल की बच्ची का घर से अपहरण किया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। मासूम के साथ दरिंदगी की इस घटना को पड़ोस के ही एक युवक ने अंजाम दिया है जिस पर पहले से ही 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने का भी आरोप है। दरअसल पूरी घटना रविवार रात की है। परिजनों की माने तो नशे में धुत आरोपी युवक ने मजदूर पिता को बंधक बनाकर बच्चे को घर से उठाया था और फिर अपने घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसे वही मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं, लिहाजा मजदूरों के साथ आक्रोशित लोग आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकालने से लेकर रोड जाम भी कर रहे हैं। डिमांड भाई साहब हमारी है, जो ये प्रदेश जो प्रदेशी है ना, इनको न्याय मिले, उस लड़के को सजा मिले, चाहे उसको मौत की मिले या फिर इस चौराहे पर जिंदा जलाया जाए। नहीं, पुलिस ने उसको अरेस्ट तो कर रखा है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर रखा है, लेकिन ना पुलिस प्रशासन की गलती ये है, कल रात को 20 तारीख को सिटी थाने के अंदर गए तब पुलिस प्रशासन ये बोला है, उस वहाँ पे 2 व्यक्ति थे, क्या ना भाई साहब ना चल भाई चल रहे कंटिन्यू कर भाई, वे ही बोले क्या ना, जब कुछ कांड हो लेगा ना, जब वो मर लेगी या फिर कुछ भी कांड हो लेगा, हम तो जब जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ना उस उन दो व्यक्तियों को पुलिस वाले जो भी है उनको टर्मिनेट किया जाए, उनको ये पता लगे कि ना ये दुख तकलीफ क्या होती है, दुख तकलीफ क्या होती है। जैसे ये परदेशी दुखी हो रहे ना, आज उनकी लड़की मर चुकी है, उन पुलिस वालों की बदौलत मरी है। प्रदर्शनकारी मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी युवक को फांसी दी जाए, नहीं तो बच्चियों के साथ ऐसी दरिंदगी होती रहेगी और ऐसे दरिंदे मासूम बच्चियों को नोचते रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर मजदूरों ने पहले शहर के राव तुलाराम चौक पर जाम लगाकर खूब बवाल काटा, फिर लघु सचिवालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। हमारी बच्ची के ऊपर गलत इंजाम मर्डर और बलात्कार का केस में हम इसलिए सारे भाई 5 साल की बच्ची थी, आज हमारे के साथ हुआ, कल किसी के साथ और भी हो सकता है, इसलिए गलत है ना। हाँ। कल तो गलत है, ऐसा है कि हमने इसी पूरा रोक लगा रखा है, ऐसा है बता बता ऐसा ही 5 साल की लड़की के साथ ये गलत है, हुआ के सही हुआ, गलत तो गलत है जी, इसीलिए हमारी हाथ जोड़ के जो भी है अपना, ये गलत तो गलत है। क्या चाहते हो? इसको कुछ नहीं चाहती, इसको फांसी दो, गवर्नर मत बने, फांसी दो इसको। उधर जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूलते दिखे। हालांकि डीएसपी राहुल देव शर्मा का कहना है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस भी कोर्ट में ठोक सबूत रखेगी ताकि आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट दिलवाई जा सके। कुछ शंकाएं थी, उनकी सारी शंकाओं को दूर करेंगे, दोषी को सजा दिलाने की मांग करी है और सारे सबूत इकट्ठे करके उसके खिलाफ जल्द से जल्द चालान न्यायालय में देकर उसको कैपिटल पनिशमेंट दिलाएंगे। पुलिस कर्मचारियों को जो पुलिस कर्मचारियों ने किसी ने भी अभद्रता करी है उसकी इंक्वायरी कराकर जो मैक्सिमम कार्रवाई होगी वो करेंगे, इसके अंदर इन्होंने टर्मिनेट करने की कही है, हमने एसपी साहब को लिख के दे दिया। फांसी की सजा की इन्होंने डिमांड करी है, हम कोर्ट के अंदर सारे ठोस से ठोस सबूत रखेंगे ताकि उसको कैपिटल पनिशमेंट मिले, सुरक्षा को लेकर सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। बता दें कि रविवार रात को बच्ची का अपहरण हुआ मगर सूचना के बावजूद रात करीब 1:30 बजे पुलिस की टीम ने आरोपी के घर में दबिश दी और तब तक बच्ची से दुष्कर्म भी हो चुका था और उसकी हत्या भी कर दी गई थी। आरोपी के घर से बरामद बच्ची के शव पर चोट के निशान मिले हैं, होंठ के हिस्से को भी आरोपी ने काटा है। ऐसे में दरिंदगी की इस घिनौनी और खौफनाक घटना को लेकर लोगों में भारी रोष है और वो सड़कों पर उतरकर आरोपी को फांसी पर लटकाने की मांग पर अड़ गए हैं। झज्जर से प्रवीण धनकाड़, पंजाब केसरी टीवी।